वेलकम टू लर्न टू कोड। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्या होता है? तो जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करने के काम आता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मतलब अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करने के काम आता है। ये है जावा का पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हो गया कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि आपने सुना होगा, ओप्स बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लासेस के और फिर उसके रेफरेंस में हम उसको ऑपरेट करते हैं। इसकी हिस्ट्री जान लेते तो ये 1995 में क्रिएट किया गया था और इसे ओरेकल ऑन करती है। जावा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हम जावा के बारे में बहुत सुनते हैं हर जगह पे, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जावा की यूजेज़ हैं, मल्टीपल यूजेज़ हैं, जो कि है ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के काम आती है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कि हमने बोला कि मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस है, डेवलप करने के काम आती है, वेब एप्लीकेशन और भी कई तरह के सर्वर बिल्डअप में काम आती है, गेम्स बनाने के काम आती है, डेटाबेस क्रिएट करने के काम आती है। जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं उस समय भी जावा बहुत काम आती है। सो ये एक वाइड रेंज ऑफ चीज़ में काम आती है। जावा ही क्यों, वाई जावा? सबसे पहली बात तो ये कि पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कई तरह के डिवाइसेस इनसे बनी पड़ी है, कई तरह की एप्लीकेशंस इनसे ऑलरेडी बनी पड़ी है जो आज के मार्केट में है। तो काफ़ी लार्ज डिमांड है इसके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जावा जिनका कोर लैंग्वेज है, प्रैक्टिस है, उनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। दूसरी बात, इजी लर्निंग है, अगर कायदे से पढ़े तो आराम से इसे समझा जा सकता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो फ्री, मतलब फ्री में अवेलेबल है हर जगह पे, तो सीखना भी बहुत आसान है इसको। दूसरी बात कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, इसके बने हुए एप्लीकेशंस अलग अलग, चाहे वो लिनक्स की बात कर ले, चाहे विंडोज़ की बात कर ले, चाहे मैक की बात कर ले, तो हर जगह काम आती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ी है, डेवलपर्स कम्युनिटी जो इसके हैं ये काफ़ी बड़ी है। तो इससे होता है कि इसको सीखना, जानना और इस पे काम करना आसान हो जाता है। तो ये हम जावा के बारे में आज जाने हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ जावा।